दोस्तों आज हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे HTML CSS में। ये बहुत बार ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पोजीशन क्या होती है, किस तरीके से हम लोग पोजीशन को यूज़ करते हैं। मैंने भी कई बार इंटरव्यू दिया तो मुझसे भी काफ़ी बार पूछा गया कि ये पोजीशन कैसे क्या होती है, हम किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं या आपको जो मैं सिखाने वाला हूँ वो सब कुछ पोजीशन के ऊपर ही होगा। दोस्तों अगर आप ये सीख लोगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। वेब डिज़ाइनिंग में ये जो पोजीशन वाला पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हम लोग पॉइंट कवर करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कुछ लिख करके रखा है, जैसे व्हाट इज़ पोजीशन, कि पोजीशन क्या होती है, और टाइप ऑफ पोजीशन, कि कितने तरह की पोजीशन हमारे HTML CSS में होती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं बात करता हूँ पोजीशन होती क्या है। तो दोस्तों पोजीशन जो होती है वो ये बताती है कि जो हमारा एलिमेंट है उस पर जो पोजीशन मेथड लगा हुआ है वो कौन सा है। ठीक है, आप समझ रहे हो कि जो हमारा एलिमेंट है उसके ऊपर जो पोजीशन मेथड लगा हुआ है वो कौन सा है। ये पोजीशन जो हमारी सीएसएस वाली पार्ट है ये हमें बताता है। ठीक है, अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप ये पूरा ट्यूटोरियल पढ़ लोगे, थोड़ा सा लंबा होगा ये ट्यूटोरियल, लेकिन दोस्तों मैं गुजारिश करता हूँ कि इसे लास्ट तक देखें। इससे आपको जितने भी पॉइंट्स हैं जो मैं नीचे लिख रखे हैं, अभी एक एक करके मैं समझाऊंगा आपको कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं पोजीशन के वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो देख लेना, बस आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमारी वीडियो जो है वो काम करती है, ये पोजीशन हमारी किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो दोस्तों पोजीशन तो मैंने बता दिया कि क्या होती है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है, इसके 5 टाइप होते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला है हमारा स्टैटिक, दूसरा है हमारा रिलेटिव, तीसरा है हमारा फिक्स्ड, फोर्थ है हमारा एब्सोल्यूट, और फिफ्थ है हमारा स्टिकी। ये स्टिकी दोस्तों अभी नया आया है। ठीक है, हालांकि नई चीज है तो ये भी सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 5 तरह के हमारे पास पोजीशन होती हैं। ठीक है, तो इन्हें वन बाय वन हम यूज करेंगे और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग इन्हें यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक के बारे में। ठीक है, ये स्टैटिक जो पोजीशन होती है वो क्या होती है। देखो दोस्तों मैं यहाँ लिखता हूँ अलग से, इनको मैं उड़ा देता हूँ अभी के लिए, यहाँ चलते हैं स्टैटिक। ठीक है, तो स्टैटिक जो होती है बाय डिफॉल्ट जो हमारे डिव एलिमेंट होता है या कोई भी एलिमेंट होता है उसकी जो पोजीशन होती है वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही होती है। ठीक है, तो अगर हम इसे मेंशन ना भी करें अपने कोड में तो भी जो ब्राउजर होता है बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही उठाता है। ठीक है, मैं कोड के जरिए आपको बताता हूँ कि हम लोग पोजीशन को किस तरीके से सीएसएस में लिखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नई फाइल बनाता हूँ और डेस्कटॉप पे जा करके यहाँ पर मैं पोजीशन लिख देता हूँ, position.html। ठीक है, ये मैंने सेव किया HTML। ठीक है, यहाँ पर मैं एक ये H1 टैग बनाता हूँ, H1 स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक नाम से मैंने बना दिया। अब यहां पर मैं एक डिव बनाता हूं दोस्तों। ठीक है, डिव क्लास स्टेट नाम से मैंने बना दी। ठीक है, और इसकी जो सीएसएस है मैं ऊपर आपको लिख करके दिखाता हूं कैसे लिखते हैं। स्टाइल, सबसे पहले तो मुझे इसमें विड्थ देनी होगी, विड्थ 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड हैश 0000000। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ डेटा भी लिख देते हैं। मैं अपने चैनल का नाम ही लिख देता हूँ, युवराज अकेडमी। ठीक है, और इसको कलर भी दे देते हैं, चलो कलर HFA9D2E। ठीक है, अब मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ। देख रहे हो ये स्टैटिक आ गया, ये मेरे युवराज एकेडमी यहाँ लिखा हुआ आ गया, और ये जो मेरी डिव है ये डिव हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जब हम इसमें पोजीशन देंगे, मैं आपको दिखाता हूँ पोजीशन कैसे देते हैं। पोजीशन दोस्तों इस तरीके से दी जाती है, पोजीशन, और यहां पे लिखते हैं स्टैटिक। ठीक है, अभी देख रहे हो मैंने रिफ्रेश नहीं किया पेज को,
अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो डिव या एलिमेंट, जो भी हमारा एलिमेंट होता है उसकी जो पोजीशन होती है वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही होती है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको इसलिए काउंट किया ताकि आपको पता रहे कि हमारी एक स्टैटिक पोजीशन भी होती है। ठीक है, ये तो रहा दोस्तों स्टैटिक की बात। ठीक है, अच्छे से समझ में आया दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि स्टैटिक पोजीशन जो होती है वो बाय डिफॉल्ट हमारे किसी भी एलिमेंट की पोजीशन होती है। ठीक है, जब तक कि हम कोई और पोजीशन उस पर अप्लाई ना करें। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं, यहां मैं इसको उठाता हूँ, ये मेरा स्टैटिक डन हो गया, इसको मैं यहां से काट देता हूँ, ये डन हो गया हमारा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग पोजीशन पार्ट लिखते हैं, पोजीशन लिखते हैं और उसके आगे स्टैटिक की वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम लोग रिलेटिव की। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर सेम कोड कॉपी करता हूँ, ये उठाता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ लिख देता हूँ रिलेटिव। ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों, क्लास आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, रिले, यहाँ पर मैं जा करके सेम चीज कॉपी कर लेता हूँ, पहले मैं यहाँ से इसको पूरा उठाता हूँ और यहाँ रिले लिख देता हूँ, ये रिले। ठीक है, या एक तरीका और है दोस्तों, यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ डॉट ये। ठीक है, पोजीशन यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक कॉमन क्लास बना देता हूँ, कॉमन जो सब में लगेगी। ठीक है, कॉमन। ठीक है, तो ये मैं विड्थ वगैरह सब उसमें कॉल करा देता हूँ, ये मेरा हो गया कॉमन। ठीक है, मैं इसे इसमें कॉल करा दूंगा, जिससे क्या होगा, मुझे ये बार बार सीएसएस लिखनी नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, इसमें मैं पोजीशन पहले वाली लिख देता हूँ, पोजीशन स्टैटिक, और यहाँ ये बंद कर दिया, और इसमें पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, ये कॉमन वाली जो मैंने सेम सीरीज बनाई है वो मैं इसे यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, ये युवराज एकेडमी स्टैटिक हो गया यहाँ पे, ये युवराज एकेडमी रिलेटिव हो गया। ठीक है, अब मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ, देख रहे हो, ये रिलेटिव हुआ, मैंने सीएसएस एक ही बार लिखी है कॉमन वाली, वो सब में कॉल हो रही है। ठीक है, तो अब मेरे को कोड करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब दोस्तों रिलेटिव की बात करें तो रिलेटिव पोजीशन क्या होती है कि जब भी हम इसमें कोई पोजीशन अप्लाई करेंगे, मींस अगर हम इसमें रिलेटिव पोजीशन अप्लाई करेंगे और कोई भी मार्जिन या पैडिंग इसमें देंगे, मार्जिन पैडिंग तो चलता नहीं है, मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से इसमें काम करता है, कि जो अगर मान लीजिए मैं इसमें पोजीशन रिलेटिव देता हूँ और यहाँ पर देता हूँ लेफ्ट से 100 पिक्सल, तो क्या होता है दोस्तों, ये जो डिव है ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से लेफ्ट लेफ्ट से 100 पिक्सल स्पेस ले लेगा। आप समझ रहे हो कि अगर मैं पोजीशन रिलेटिव दे देता हूं तो वो अपने एक्चुअल पोजीशन से लेफ्ट से 100 पिक्सल का स्पेस ले लेगा, अपनी एक्चुअल पोजीशन से। ठीक है, ये मैं लिख भी देता हूं, फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन या फिर नॉर्मल पोजीशन, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से लेफ्ट से 100 पिक्सल स्पेस ले लेगा, स्पेस करता हूँ, तो ये जो मेरा डिव बना हुआ है वो लेफ्ट से 100 पिक्सल इधर आ जाना चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देख रहे हो दोस्तों, ये लेफ्ट से 100 पिक्सल इधर आ गया। रिलेटिव का दोस्तों ये काम होता है, जो अपनी एक्चुअल पोजीशन से स्पेस लेता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से टॉप से देता हूँ, टॉप से 100 पिक्सल, तो ये अपने एक्चुअल से टॉप से 100 पिक्सल ले लेगा, टॉप से भी लेगा और लेफ्ट से तो हमने दे रखा है ये। ठीक है, मैं स्पेस करके एंटर मारता हूँ, तो उसने लेफ्ट से भी ले लिया और टॉप से भी ले लिया। ठीक है, फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजिशन और नॉर्मल पोजिशन, तो रिलेटिव ये काम करती है। इसमें हम लोग जो पैरामीटर देते हैं वो टॉप से देते हैं, लेफ्ट से देते हैं, राइट से देते हैं और बॉटम से भी देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप ट्राई कीजिएगा।
मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से पोजीशन रिलेटिव काम करती है। एक बार और समझाता हूँ कि जो रिलेटिव पोजीशन हम देते हैं किसी भी एलिमेंट को, वो अपने एक्चुअल पोजीशन, दोस्तों ये याद रखना, बस एक्चुअल पोजीशन या नॉर्मल पोजीशन से स्पेस लेता है जो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने दो पोजीशन कवर की हैं, स्टैटिक कवर कर ली, रिलेटिव कवर कर ली। अब हम लोग बात करते हैं फिक्स के बारे में। ठीक है, तो फिक्स पोजीशन की मैं एक और चीज बना लेता हूँ यहाँ पर, या मैं ये यहाँ पर लिखता हूँ फिक्स्ड। ठीक है, और यहाँ पर फिक्स, यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर पोजीशन फिक्स्ड। इसमें दोस्तों अब दिखाऊंगा मैं आपको क्या रहा, अभी मैं पोजीशन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ क्या बनता है। नीचे जाते हैं, अभी ये पोजीशन देख रहे हो, अभी मैं इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि थोड़ा नीचे चले गए हम लोग, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब फिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, नॉर्मली वर्क कर रहा है, हमने अभी कोई इस पे पोजीशन नहीं दी हुई। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो फिक्स पोजीशन होती है वो व्यू पोर्ट पे काम करती है। दोस्तों जो हमारा ये व्यू पोर्ट होता है ना, इससे हमारा व्यू पोर्ट से वो स्पेस लेती है, मतलब इसको अपना पेरेंट मानती है, समझ रहे हो आप, इसके रिलेटिव वो पोजीशन फैच करती है। ठीक है, तो मैं यहां पर से उठाता हूँ फिक्स को, ये मैंने यहां पर लिखा था पहले से ही, तो पोजीशन फिक्स्ड में लिखूंगा। और दोस्तों अगर पोजीशन फिक्स देते हैं तो हमें ये भी स्पेसिफाई करना होता है कि टॉप से फिक्स कर रहे हैं, बॉटम से फिक्स कर रहे हैं, और ये भी कि लेफ्ट से फिक्स कर रहे हैं कि राइट से फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको राइट बॉटम से फिक्स कर दूं, कि राइट बॉटम में फिक्स आइए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन फिक्स तो हमने लिख दिया, उसके बाद लिखते हैं राइट से जीरो। राइट से जीरो का मतलब यह है कि वो इधर से जीरो लेगा और बॉटम से जीरो पिक्सल। पिक्सल ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहां वन लिखते हैं तो पिक्सल लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करता हूं तो मेरे हिसाब से यहां पे आ जाना चाहिए। अगर मैं एंटर मारता हूं तो देख रहे हो दोस्तों, ये जो व्यू पोर्ट है उसके रेफरेंस में पूरी स्पेसिंग काम करेगी, इसकी जो पोजीशन है वो काम करेगी, कि मैंने यहां पर दिया पोजीशन फिक्स राइट से जीरो और बॉटम से जीरो। राइट से जीरो है, ये राइट पार्ट है, और बॉटम से जीरो पिक्सल इसने ले लिया। ठीक है, और अगर मैं इस कंटेंट को बढ़ा भी देता हूं, यहां पर मान लीजिए मैं ये चीज उठाता हूं और सॉरी मैं यहां एक डिव बना लेता हूं, डिव क्लास, मान लीजिए चेक करके बना दिया हमने क्लास। ठीक है, चेक करके बना ली और उसके अंदर हमने कंटेंट लिखा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों ये जो फिक्स है वो किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ और इसको ही कॉपी करता चला जाऊंगा मैं। यहां से उठाते हैं और इसकी विड्थ भी दे देता हूं मैं, चेक को यहां से उठाते हैं, इसकी विड्थ दे देते हैं 300 पिक्सल। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देख रहे हो दोस्तों, मैंने इसकी विड्थ दे दी, लेकिन ये जो चीज़ है ये यहाँ से हिली नहीं, ये मैं इसको कितना भी स्क्रॉल कर लूँ ये अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स कर दी है। ठीक है, हम चाहें तो इसकी जो पोजीशन है उसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि वो बॉटम से थोड़ा सा ऊपर आए, तो बस हमें क्या करना होगा, बॉटम से 0 दिया हुआ है, यहाँ पे 100 कर देंगे, तो वो बॉटम से 100 पिक्सल स्पेस ले लेगा। देख रहे हो, यहां से 100 पिक्सल ले लिया, हम चाहते हैं राइट से भी 100 पिक्सल ले ले, तो यहां से भी लो राइट से 100 पिक्सल कर देंगे, ये देखो राइट से 100 पिक्सल, और लेकिन हिलेगा नहीं है, हम कितना भी स्क्रॉल कर लें पेज को ये अपनी जगह नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, तो हमने तीन पोजीशन कवर कर ली, ये जो पोजीशन है ये फ्रॉम इट्स, इसको हम करते हैं यहां फिक्स फ्रॉम व्यू पोर्ट, कि जितना भी हमारा दिखने वाला एरिया है
व्यू पोर्ट है उसके रिलेटिव में अपनी पोजीशन को फेच करेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पोजीशन की, वो है एब्सोल्यूट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एब्सोल्यूट फ्रॉम नियरेस्ट नॉन स्टैटिक पेरेंट। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अभी। यहाँ से एप्सो एप्सोल एब्सोल्यूट। तो दोस्तों ये जो हमारा एब्सोल्यूट वाला पार्ट है, जो हमारी पोजीशन एब्सोल्यूट होती है, वो क्या करती है, वो अपने पेरेंट को देखती है। इसके लिए मुझे दोस्तों दो डिव बनाने पड़ेंगे, ये मेरा कॉमन तो है ही, इसमें मैं लिखता हूँ पेरेंट और ये बनाता हूँ क्लास एप्सोल और इसके अंदर मैं कंटेंट लिखता हूँ। ठीक है, और इसको मैं हाइट देता हूँ 100 पिक्सल और विड्थ देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करके, अभी मैंने इसमें कोई पोजीशन नहीं दी। ठीक है, अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग एप्सोल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये एब्सोल्यूट हो गया। ठीक है, एब्सोल्यूट के बारे में बात करें, रिफ्रेश करूंगा तो अभी इसमें मुझे एक बॉर्डर भी देना होगा ताकि आपको अच्छे से दिख पाए कि मैं क्या डिफरेंट बताने वाला हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, एंटर मारा, देख रहे हो अभी क्या है, ये मेरा पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है। ठीक है, तो जो हमारा एब्सोल्यूट पोजिशन होती है वो क्या करती है, अपने नियरेस्ट एंसेस्टर मतलब अपने नियरेस्ट पेरेंट को देखती है जो नॉन स्टैटिक है। ठीक है, तो इस केस में मुझे ये जो पेरेंट है इसको कोई अलग सीएसएस देनी होगी, या तो हम दे सकते हैं पोजीशन रिलेटिव दे सकते हैं, पोजीशन फिक्स भी दे सकते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए मैं रिलेटिव दे के रखता हूँ। ठीक है, रिलेटिव मैंने पोजीशन रिलेटिव इसलिए दी क्योंकि पेरेंट की बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन है वो स्टैटिक होगी और स्टैटिक को ये कैच करेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मुझे इसकी सीएसएस में पोजीशन रिलेटिव देनी पड़ी। ठीक है, तो मैं रिफ्रेश करता हूं और इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देता हूं। अभी रिफ्रेश करके दिखाता हूं, कोई डिफरेंस नहीं आया होगा। मैं यहां पर लिखता हूं पोजीशन एब्सोल्यूट और मैं क्या चाहता हूं कि ये टॉप से 20 पिक्सल ले ले अपने पेरेंट से। तो क्या होगा, ये जो पेरेंट है इसका, ये वाला देख रहे हो आप, इसके टॉप से 10 पिक्सल नीचे खिसक जाना चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देख रहे हो दोस्तों, ये इस वाली पेरेंट डिव से स्पेस ले रहा है। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो भी उसका नियरेस्ट एंसेस्टर होगा, नियरेस्ट मतलब जो भी उसका सबसे पास वाला पेरेंट होगा और जिसकी पोजीशन नॉन स्टैटिक होगी। दोस्तों ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, नॉन स्टैटिक एब्सोल्यूट में जो भी नॉन स्टैटिक उसका पेरेंट होगा उसको फेच करेगा और उसके संदर्भ में उसके रिलेटिव में अपनी पोजीशन को कैच करेगा। ठीक है, समझ आया दोस्तों एब्सोल्यूट किस तरीके से काम करता है? तो वही है कि जो नियरेस्ट एंसेस्टर होगा, जो सबसे पास का पेरेंट होगा और नॉन स्टैटिक होना चाहिए उसकी पोजीशन, नॉन स्टैटिक होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने ये भी कवर कर लिया किस तरीके से एब्सोल्यूट काम करती है। अब दोस्तों लास्ट आता है और लेटेस्ट है ये, स्टिकी पोजीशन क्या काम करती है। तो यहां पर मैं लिखता हूं स्टिकी, ठीक है, और यहां पर भी मैं लिख देता हूं स्टिक। ठीक है, इसमें हमें पेरेंट की जरूरत नहीं है, हम यहां से इसको हटा देते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूं और इनको पेस्ट करता हुआ चला जाता हूँ, थोड़ा आपको समझाने में मुझे आसानी होगी। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्या बात है, अभी पोजीशन लगी हुई है, पोजीशन हटानी पड़ेगी। ठीक है, पोजीशन हटानी पड़ेगी, पोजीशन
ना भाई, अब देखते हैं क्या आता है। ये मेरा इस तरीके से बन के आने लगा, थोड़ा और मुझे इसमें कंटेंट डालना होगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। अब स्कोर बॉल चाहिए थी, ठीक है स्कोर बॉल आ गई। अब बस एक जगह पे मुझे, मान लीजिए इसको मैं देता हूँ स्टिक नाम, थर्ड वाली को स्टिक नाम देता हूँ, और इसको बॉर्डर दे देता हूँ 3 पिक्सल रेड, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी मैंने दोस्तों कोई पोजीशन नहीं लगाई, बस मैं आपको डिफरेंस दिखा रहा हूँ कि ये जो थर्ड वाली है इसको हम लोग स्टैटिक बनाएंगे, स्टिकी पोजीशन देंगे। तो दोस्तों स्टिकी पोजीशन देने से क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करूंगा ये टॉप पर जाकर यहां पर जाकर स्टिक हो जाएगी, यहां पर जाकर स्टिक हो जाएगी। वो कैसे होगी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहां देनी पड़ेगी पोजीशन स्टिकी और टॉप से 0 पिक्सल के। मैंने उसको पोजीशन भी दे दी और जैसे ही वो टॉप से 0 पिक्सल पे आएगी तभी वो वहां पे स्टिक हो जाएगी, ठीक है। तो हम रिफ्रेश करते हैं पेज को, आप देखोगे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये स्टाइल ये देख रहे हो आप दोस्तों, ये स्टिक हो गई ये टॉप से। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि इससे पहले हमें जेक्वेरी के थ्रू भी काम करना पड़ता था कि हम लोग स्क्रॉल करें, इतने परसेंट स्क्रॉल करें डिव पेज को या डिव को या पेज को, तब जाके ये जो इसको हमें क्लास देनी होती थी, फिर उसके बाद ये टॉप से 0 लेगा, बहुत कुछ काम करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों स्टिकी आने से बहुत ही कह सकते हैं आसानी से हम लोग अपने जो डिव है उसको स्टिक करना होता है वो कर लेते हैं। अभी क्या हो रहा है कि दोस्तों पीछे से ये ओवरलैप कर रहा है टेक्स्ट, आप देख रहे हो ये दोनों टेक्स्ट ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक छोटी सी चीज लिख देंगे यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर हम यहाँ दे देंगे एश FFF FFF, ठीक है। इससे क्या होगा, ये बैकग्राउंड कलर इसने ले लिया, अब कुछ नहीं पता लगा इसमें, पूरे में बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज के टॉपिक जो मैंने कवर किया। हालांकि अभी मैं और भी टॉपिक्स बनाऊंगा आने वाले टाइम में, पर ये जो टॉपिक था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इन पांचों पोजीशंस को हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने एचटीएमएल पेजेस में या सीएसएस में, ठीक है। अगर ये आप लोग कवर कर लोगे दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि 50 से 60% के इंटरव्यू जो क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं से निकल के आते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। मैं चाहता हूँ कि जिस किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।